ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन ब्रज फार्म हाउस सिरपुरा के विशाल सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवीश गुप्ता मिक्की, खंड शिक्षा अधिकारी राजकुमार, प्रधान विष्णु दयाल वर्मा एवं यतेंद्र राजपूत ने संयुक्त रूप माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माँ सरस्वती वंदना प्रस्तुति के साथ किया। ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में बच्चों को निपुण बनाने आदि पर जोर दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सिरपुरा राजकुमार ने कहा कि विद्यालयों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत प्रधान, प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। ब्लॉक पंचायत प्रतिनिधि रवीश गुप्ता मिक्की ने कहा कि बेसिक शिक्षा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। शासन के मानकों के आधार पर निपुण लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मंच का सफल संचालन डॉक्टर अखिलेश सोलंकी ने किया। इस दौरान महेश सिंह, अवनीश कुमार, आर्यन गौड़, विजय सिंह, गजेंद्र सिंह, विकास माहेश्वरी, रामकेश, कैलाश सिंह, संतोष कुमार, आहुति, रजनी परमार, सुरजीत सिंह, उमेश सिंह सहित बड़ी संख्या में अध्यापक, प्रधान, प्रबंध समिति के सदस्य आदि लोग मौजूद थे। माँ सरस्वती हम सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें और हम लोगों के कार्यक्रम अच्छे चलते रहे। हमारे आदरणीय विद्यालयों की प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अपने जीवन में दिल्ली कोचिंग करने जाते थे जो भी अधिकारीगण है आपके विद्यालय के कायाकल्प के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी का और योगी जी का एक सपना है कि मेरा बच्चा भी एक सरकारी स्कूल में, मेरा मतलब मेरा अपना स्वयं अपने बच्चे को भी आगे चल के इतना बढ़िया स्कूल बना दें कि मेरा बच्चा भी, मैं भी अपने आप में सोचने पर मजबूर हुआ कि मेरा बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। मेरे एक फूफा जी है डॉक्टर हरिओम गुप्ता, एटा के रहने वाले हैं, थाने गाँव के, थाने दरियाओं में ज्यादातर लोग बच्चे को पढ़ाएंगे। वो जब बैठते हैं तो मुझे समझाते हैं कि बेटा मैंने वो MBBS है ऐसा कुछ, और इस कार्यक्रम में हर्ष का विषय ये भी है कि मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि हमारे मीडिया बंधु भी